गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विवास लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो हम हर रोज आप लोगों के साथ अपना सुबह का थाली शेयर करते हैं, डाइट थाली। तो आज मेरे यहाँ बना रहे हैं मेरे पति देव जी चिकन। वो भी हम बोले थे हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो उनके लिए बोले थे ले आइए आपके लिए बना देंगे, लेकिन वो बोले आज हम बनाएंगे जीरो ऑयल मसाला में चिकन। तो हम आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं कि देखिए आज कैसे डाइट नॉनवेज, नॉनवेज में भी डाइट बन सकता है बिना तेल मसाले का। तो उसके लिए देखिए ये मसाला क्या मतलब लिए हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ले लिए हैं 300 ग्राम चिकन लाए हैं। उसके लिए ये प्याज है, ये लहसुन को कूट लिए हैं, मिर्ची है, तेज पत्ता है, अदरक है, ये है इनका ये चिकन का। और इसमें थोड़ा सा बस गरम मसाला और बहुत जरा सा ऑयल डालेंगे, एक चम्मच, छोटा चम्मच, बस आधा चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे बोल रहे हैं। कितना डालेंगे? आधा चम्मच, आधा चम्मच, आधा चम्मच तेल, आधा चम्मच मसाला, आधा चम्मच मसाला, उतने में अच्छा बनेगा। आज देखिए कैसा बनाते हैं ये चिकन। हाँ, तो अभी तेज करिए तब ना पनिया सूखेगा। कुकर में पानी अभी लगा है, सूख गया है। तो डालिए तेल, देखते हैं कितना डालते हैं। हम स्लैब पे ही बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुकर गरम हो चुका है, इसमें डाल रहे हैं ऑयल। बस इतने में 300 ग्राम चिकन बनेगा। बस 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 बस, ये देख लो फ्रेंड्स, ये डाले हैं सच में आधा चम्मच से भी कम है तेल। हमारे कहले पर डाल थे, हमारे कहले पर डाला था ने। तो एक चम्मच, ये बहुत कम तेल है, आप लोग देख सकते हैं, एक चम्मच के जितना। इतने में तो हम कभी नहीं बनाए हैं चिकन, हम बिना तेल का गर्मी में बनाए थे और ये बना के खाए हैं, तो इसलिए हमको आज ये बना के खिलाएंगे। हम तो बोले हम नहीं खाएंगे। सॉरी। तो अभी देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे? जीरा डालिए। अरे गंदगी सब हो गया, हम जीरा साफ करके रखे हैं। जीरा, जीरा हो गया। अब इसके बाद रुक गया, इसके बाद में अदरक चटक गया है जीरा, तो अभी डालेंगे अदरक। अदरक उधर से कर छो। तेज पत्ता, तेज पत्ता गया। ये देखिए इसमें तो पूरा फोरन भी नहीं होगा। डाइट चिकन। मिर्चा, ये हरा मिर्चा, इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ेगा ना? ना। मिर्चा हो गया। अब इसमें लहसुन कूटा हुआ, लहसुन, अदरक डल गया है यार। अरे हाँ, लहसुन लहसुन लहसुन। और उसके बाद प्याज, 300 ग्राम के लगभग प्याज भी है, जितना चिकन है उतना प्याज भी है। तो अभी इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज हो गया, प्याज हो गया। अभी तुरंत, बस तुरंत तुरंत चिकन, उसके बाद में चिकन। पकेगा नहीं ना? ये बिना ऑयल, इसको जीरो ऑयल आप लोग बोल सकते हैं, जीरो ऑयल चिकन। एक चिपक गया, एक चिपक गया उधर, इसीलिए वो चिपक रहा है। अरे चिपक गया, दीजिए छोड़ा है। ना, 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 ना। अरे चिपका है यार, किनारे चिपका है, नहीं छूटा वो, एक पीस उधर लगा है, सब सब छूट जाएगा। अरे छूट ही नहीं रहा, अरे सब छूट जाएगा। हाँ। अब इसमें जाएगा नमक, चम्मच से डालिए, ढेर ना गिर जाए, धोखा है। बस ठीक है, नहीं होगा पता नहीं यार, क्या करेंगे इसको। चलिए इतना नमक डालते हैं।
इसको कहीं कटोरी वटोरी में रख दीजिए। ये हो गया नमक हल्दी, धीमा कर दीजिए। ये बन रहा है भैया डाइड चिकन, हल्दी पाउडर हो गया। और अब डालेंगे इसमें गरम मसाला। ये जो डाइट करता है ना वो भी खा सकता है, क्योंकि आप लोग देखें इसमें तो तेल भी नहीं है और मसाला भी एकदम नाम का है। तो ये देखिए गरम मसाला हो गया। पैकेट का नहीं, घर का कूटा हुआ, जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं पैकेट का नहीं डाल रहे हैं, घर का कूटा हुआ गरम मसाला। लहसुन डालना है? लहसुन नहीं जी, उतना कूट के डाले हैं तो। अब देखिए इसमें जो प्याज छोड़ दिया है पानी, पानी चिकन पानी छोड़ दिया है, सब एक में मिल गया और अब इसमें नमी आ गया, उसमें नमी आ गया। अब उसको कुकर को हम बंद करते हैं। अब इसमें लगेगा सीटी, हल्का सा पानी डाल दे रहे हैं कि नीचे चिपके नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा सा खाने के लिए पानी हल्का चाहिए और प्याज छोड़ देगा पानी। ये बन रहा है डाइट चिकन बिना तेल मसाले वाला चिकन। अभी हम भी पहली बार खाएंगे ये चिकन। ये बोले कि गर्मी में ये बना के खाए थे, हम तो नहीं थे तेल तो डाल दिए। हम तो दो बार खाए बिना तेल के, एकदम नहीं डाले थे एकदम। तो आज बोले हैं कि हमको भी चखाएंगे, तो हम बोले कि ठीक है। ये इतना हो गया इसमें पानी। अब इसका ढक्कन लगा के दो तीन सीटी तक आने देंगे। इसका सीटी लगाइए बस। अब इसको तीन सीटी आने के मीडियम आंच ना, मीडियम आंच में एकदम, ये एकदम मीडियम आंच में पकेगा। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कैसा बना है चिकन बिना तेल मसाले वाला। बहुत बढ़िया लगता है, ये खाए हैं, ये तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं खाए हैं गर्मी में बना के। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितना एकदम थोड़ा सा तेल, एक चम्मच टेबल स्पून जितना, बड़ा चम्मच वो भी नहीं, बड़ा चम्मच वो भी नहीं, छोटा चम्मच का एक चम्मच तेल, आधा आधा चम्मच गरम मसाला, उतना में ये बन रहा है 300 ग्राम चिकन। अब बनने के बाद दिखाएंगे कैसा बना है। गर्मी देखिए किचन में पसीना पसीना हो गया एकदम। चम्मच से भी मसाला कम था, प्लास्टिक वाले चम्मच। हाँ, रेडीमेड का आया था, आधा चम्मच से कम था। तेल बनने के बाद दिखाते हैं, तेल भी रेडीमेड चम्मच का आया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये बन के तैयार हो गया बिना मसाला तेल, जीरो ऑयल जीरो तेल का चिकन। ये देखिए रोटी से खाने के लिए। अब चल रहे हम लोग खाना खाने। बस करा बस करा। ये है डाइट चिकन, अभी चख के उसके बाद बताएंगे हम आप लोगों को कैसा है। अरे पीस इतना थोड़ी रोटी, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए रोटी, रोटी दे। तो ये रही मेरी आज शाम की थाली। सो फ्रेंड्स, हम खा के बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। अभी हम इतना जीरो में नहीं खाए हैं, लेकिन ये बोले हैं कि अच्छा बनता है, अब खा के बताएंगे कैसा बना है। अच्छा है, स्वाद अच्छा है, नींबू रहता था और बढ़िया। हाँ, इसमें नींबू भी डाला जाता है, लेकिन हमारे पास था नहीं नींबू। अच्छा बना। ये है डाइट चिकन, डाइट नॉनवेज थाली।
बहुत अच्छा है। अगर आप लोग नॉनवेज भी बिना तेल मसाला का, जिसको तेल मसाला कम खाना है, मना है जैसे कि हमको, तो ये आप ऐसे चिकन बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें आज नींबू नहीं था, बोल रहे हैं कि अगर इसमें नींबू गाते वो आप लोगों को अगली बार दिखाएंगे जब बनाएंगे तब। अभी लेकिन एकदम अच्छे से पक गया है चिकन और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी खा के उसके बाद चलेंगे टहलने, मिलते हैं आप लोगों से रामलीला मैदान में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए रामलीला मैदान में टहलने, खाना खा लिए हैं और वो अपना सो के टीवी देख रहे हैं किट्टू पापा। हम आ गए रामलीला मैदान में टहलने, यहाँ आधा घंटा टहलेंगे उसके बाद चलेंगे रूम पे। तो अभी चलिए टहलते हैं। और यहाँ रामलीला मैदान में सारे बच्चे आते हैं शाम को, सब बैठते हैं, टहलते तो कोई नहीं है ये लोग बस बैठ के, इन लोग का हम देखते हैं बस लूडो खेलते हैं। और रामलीला मैदान का इस टाइम रिहर्सल हो रहा है तो अंदर ही हो रहा है, बाहर अभी नहीं हो रहा है, अंदर ही होता है। और अभी ये सब जगह जगह बैठ करके बस लूडो खेलते हैं। और इधर रावण बनने के लिए बांस वस आ गया है, रावण बहुत पहले से बनना शुरू हो जाता है ना, बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो ये देखिए सब बांस आ गया है रावण बनाने के लिए। और इधर दवा छिड़क रहे हैं सब मच्छर का, भाभी भी आ गई। और रिहर्सल अंदर ही होता है, अभी बाहर नहीं होता है रामलीला का अभी। हाँ, ये सब बना है अभी सामने का सारा। और वो रावण के लिए बांस गिर गया, रावण बनाने के लिए, वो देखिए ढेर सारा रावण बनाने के लिए। हाँ, सो फ्रेंड्स, आधा घंटा हम लोग टहलेंगे, उसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर, गप मारेंगे। दिन भर तो घर में ही थे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो नए हैं मेरे वीडियो पे, सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में शामिल हो जाइए। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय, गुड नाइट।